गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक नई रेसिपी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ब्रेड पकौड़ा। उसकी रेसिपी आप नोट कर लें। सबसे पहले हम लेंगे ब्रेड, 4 पीस ब्रेड है मेरे पास। इसी तरीके से थोड़ा सा प्याज जिसको मैंने काट लिया, आलू मैंने बॉईल करने के बाद उसको मैश कर लिया है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हसबे ज़रूरत नमक, और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीने के पत्ते, सूखा धनिया आधा चम्मच, 2 अदद हरी मिर्च जिसको मैंने काट लिया, और 4 खाने के चम्मच बेसन। आई होप आपने सारे इंग्रेडिएंट अच्छे तरीके से नोट कर लिए होंगे। अब मैंने क्या किया, मिक्सिंग बाउल के अंदर मैंने आलू, प्याज, सूखा धनिया, हरी मिर्च, पुदीने और धनिया के पत्ते, लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च, इन सारी चीज़ों को मैंने इसके अंदर बॉल के अंदर डाल दिया। और अब इनको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब हमने क्या किया है, मैंने ब्रेड के चारों किनारे इस तरीके से उतार लिए हैं और ब्रेड के मैंने पीस कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ बेसन के अंदर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी, नमक और चाट मसाला, अब मैं इस सारे मिक्सचर को पानी के साथ मिक्स कर लूँगी। अब आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से हमारे ये ब्रेड पकौड़ा, जो कि मैंने इनकी फिलिंग इनके अंदर दे दी है, किस तरीके से मैंने इसको चम्मच के साथ इस तरह फैला दिया और इसको कवर कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने जो पीस तैयार की थी बेसन की, अब मैं इसमें डिप करूँगी और इनको फ्राई करूँगी। देखिए इस तरीके से मैंने पेस्ट के अंदर इसकी कोटिंग कर ली है। अब मैं इसको अपनी कढ़ाई में डाल दूंगी इस तरीके से, बाकी भी मैं ऐसे ही इसके अंदर डाल दूंगी। अब आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब मैं इसको निकाल लूंगी, ये देखिए दोनों साइडों से आप चेक कर सकते हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। गाइज अब आप देख सकते हैं कि हमारे मज़ेदार से ब्रेड पकौड़ा जो कि तैयार हो चुके हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।